बात करते हैं टंडोले आर से, जहां टंडोले आर में तहरीके लबैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज साद रिज़वी की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान बचाओ मार्च का जो कराची और हैदराबाद सिंध के दीगर छोटे बड़े शहरों से होता हुआ आज टंडोले आर पहुंचा। सिंध की आवाम, खसूस टंडोले आर की आवाम ने हमारा जो इस्तकबाल किया, हमने कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा इस्तकबाल नहीं देखा जिस तरह आवाम ने इन सब को मुस्तरद करते हुए तहरीके लबैक पाकिस्तान के साथ दिया। इंशाल्लाह आवाम के मफाद के लिए मुल्क को इस वक्त सियासी, मजहबी या अस्करी अदालती और कोई भी पर्दे में हो इंशाल्लाह हल करके देंगे। पाकिस्तान को इसके सही मंजिल पर लेकर जाना है। इनका मजीद कहना था कि मुज़ाकरात की बात आए तो ज़रूर मुज़ाकरात के लिए जाएंगे, हम जंग लड़ते नहीं, हम कौम के मफाद के लिए निकले हैं। कौम के मफाद की जो बात की गई हम इसकी बात सुनेंगे, और जो कौम के ख़िलाफ़ बात करेगा उसकी ज़ुबान खींच देंगे, और गुस्ताखों को भी फिलफौर इनके ट्रायल किए जाएँ और उनको जेलों में डालकर सजाएँ दी जाएँ। जबकि इस मौके पर साद रिज़वी का मजीद कहना था कि मुल्क में पेट्रोल की कीमतें इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं। पिछले एक डेढ़ साल में जो पेट्रोल की कीमतों की बुलंद तरीन सतह पर पहुँची, इनको फौरी तौर कम किया जाए और आवाम पर रहम खाया जाए। सियासतदान अपने बड़े बड़े बंगलों पर ऐशो इशरत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन गरीब एक वक्त की रोटी को तरस रहा है। जबकि इस मौके पर साद रिज़वी का मजीद कहना था कि हुकूमत ने तमाशा लगाया है, पाकिस्तान की स्टेट बैंक को गिरवी रख दिया है, इसके गवर्नर को भी बदला है। हम ये तमाम चीज़ों के खिलाफ है। पाकिस्तान तहरीके लबैक वारंट पेपर जारी करेगी। हमने अभी तक जो हुकूमत को पेट्रोल के हवाले से दिया है इस पर गवर्नमेंट अमल करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हुकूमत का मकसद गरीब को छोड़ना नहीं है। हम तहरीके लबैक वाले पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों को कम करवाने के ख्वाह हैं, और ये एहतजाज और मार्च आइंदा रोज़ भी चलता रहेगा।